एक लग्जरी कार में भाजपा का झंडा लगाकर बकरी चुराने का मामला सबको हैरान कर रहा है। स्कॉर्पियो कार में 18 बकरियां चुराकर भागने वाला ये गिरोह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वारदात में शामिल चोरों ने स्कॉर्पियो को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो लिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है बीजेपी का झंडा भी बकरी चुराने वाली स्कॉर्पियो में लहरा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी बीजेपी का झंडा लगे स्कॉर्पियो के चोरों ने भागते हुए भी बकरियां नहीं छोड़ी। 18 बकरियां चुराकर भागने वाले चोरों ने 9 बकरियां तो हाथ में पकड़ के ही मौके से भाग गए। इस घटना में सबसे ज्यादा किरकिरी बीजेपी वालों की हो रही है, क्योंकि बकरी चुराने वाली इस गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने लिखा, भाजपा के लोग चुरा रहे हैं गरीबों की बकरियां। मैनपुरी में भाजपा का झंडा लगाकर गाड़ी में सवार चोरों ने चुराई 18 बकरियां, जो शर्मनाक है। भाजपा संरक्षित अपराधी हर किस्म का अपराध करने पर उतारू है, मुख्यमंत्री मौन है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, बकरी चोर भाजपा वाले चंदा चुराने के बाद अब बकरी चुराने लगे। दोस्तों, सचिन गुप्ता नाम के एक ट्विटर यूजर ने बताया कि ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में रहुपुर गांव की है। स्कॉर्पियो और बोलेरो से गांव में घुसे चोरों ने 18 बकरियां चुरा ली। जब गांव वालों ने पीछा किया तो अनियंत्रित हुई बकरी चोरों की स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसके बाद चोर तो गाड़ी से भाग निकले लेकिन साथ में 9 बकरियां भी उड़ा ले गए। 9 बकरियां गाड़ी में छोड़ गए। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि बकरी चोरी वाली स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था। एक यूजर ने लिखा, बकरी चोर पार्टी, इस पर तो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। बहू बेटियां तो पहले से ही असुरक्षित हैं, अब बकरियों के भी पीछे पड़ गए हैं ये।